प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल नरेन के किस्से और चुटकुले। आज जिस चुटकुले के बारे में आपने बात करी प्रधानमंत्री जी, सर झुक गया, सर झुक गया उन लोगों के सामने, क्योंकि मैं माफ़ी मांगती हूँ उनसे जिनको आत्महत्याएं करनी पड़ी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उन परिवारों को संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया आत्महत्या के कारण। प्रधानमंत्री लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका काम होता है संवेदनशीलता के साथ योजनाएं लाने। नोटबंदी फेल, मगर विदेशों में जाकर लोगों का मजाक कि रसोइयों को देने के लिए पैसे नहीं बेटी की शादी में, अब आत्महत्या पर। ये बीमारी के कारण भी होता है, ये मजबूरी के कारण और भी ज्यादा होता है। हताश और निराश लोग आत्महत्या करते हैं, जो रिकॉर्ड में है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1,64,033 2021 के, यानी कि हर रोज 450 लोग। युवाओं का आंकड़ा और भी खतरनाक, हर घंटे करीबन 6 मौतें, यानी कि 144 हर दिन में। और दिहाड़ी मजदूर, हर घंटे 5 दिहाड़ी मजदूर। कारण बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता। यह आपको मजाक का कारण लगता होगा प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा संवेदनशील होना सीखिए। ये किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह का गिरा हुआ सोचने का तरीका है। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं काकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है।